ऑटोमोबाइल के साथ मेरा मंत्रालय का संबंध होने के नाते मैंने तो तय कर दिया कि ये पेट्रोल और डीजल को देश से निकाल देना, क्योंकि इसके कारण जो नुकसान हो रहा है वो बहुत बड़ा है। पोल्यूशन इज अ बिग कंसर्न, और इसके साथ साथ कभी कभी विशेष रूप से ये हमारे लिए एक समस्या बनी हुई है कि पेट्रोल और डीजल और जो फॉसिल फ्यूल है उसका इंपोर्ट 17 लाख करोड़ रुपए पर हुआ है। इस देश के इकोनॉमी से 17 लाख करोड़ बाहर जा रहे हैं और ऊपर से इतने बड़े प्रमाण पर हमारे यहाँ पोल्यूशन हो रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, रोपवे, केबल कार, फेनेकुलर रेलवे, बहुत सी बातें हैं, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, अभी हम नागपुर में ब्रॉडगेज मेट्रो बना रहे हैं, काफी कम पैसे में अच्छा काम हो सकता है। लद्दाख और लेह में हमारे एक IIT के इंजीनियर ने गोवा में एक फेनेकुलर रेलवे बनाई और मेरे पास 700-800 करोड़ रुपए लद्दाख लेह के CRF के बाकी थे, तो मैंने गवर्नर साहब को कहा कि वो पहाड़ी पर लोग रहते हैं तो उन्होंने ऐसा डिजाइन किया कि जानवरों को भी ले सकते हैं, भेड़ बकरी को, मोटरसाइकिल भी को ले सकते हैं, ऊपर में लोग भी बैठ सकते हैं और ऊपर तक जा सकते हैं। तो करीब 40 योजना तैयार की है और अभी हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं, जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। मैं 260 रोपवे, केबल कार और फेनेकुलर रेलवे बना रहा हूँ। बड़े प्रमाण पर हमारे हिमाचल में, उत्तराखंड में हाइड्रो पावर है, और जब PPP मोड में वो वायबल नहीं हो रहे थे तो मैंने दोनों मुख्यमंत्रियों को बुलाकर ये कहा कि तुम्हारे पास हाइड्रो पावर तुम्हारी स्ट्रेंथ है, तुम अगर 10 साल के लिए अगर पावर फुकट में देते हो और जो बनेगा यहाँ रोलिंग स्टॉक उसका GST स्टेट का अगर एग्जाम करते हो, अब फॉरेस्ट इन्वायरमेंट ने भी उसके लिए इन्वायरमेंट का क्लियरेंस लगने नहीं है, अगर जरूरत नहीं है ऐसा कहा है, तो PPP मोड में पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी, क्योंकि सरकार के पास कंस्ट्रेंट है और इसलिए बड़े प्रमाण पर वहां भी 16 रुपए का मंजूरी दी है। तो ये सब करने के लिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन काफी बातों की जरूरत है और ये छोटी छोटी बातें लोगों का जीवन बदल रही है। मैं जब मंत्री करके मैंने जब चार्ज लिया तो हमारे यहाँ नागपुर में भी साइकिल रिक्शा चलता था, महल से निकलकर हम लोग दो दो लोग चार लोग उसमें बैठते थे तो तिलक पुतले के चढ़ाव पर वो खींचता था, मन को बहुत वेदना होती थी कि ये कितनी बुरी परिस्थिति है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि मैं जिंदगी भर ऐसी रिक्शा में नहीं बैठूंगा। दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि जिस दिन ये प्रथा बंद हो जाएगी उस दिन इस देश के इतिहास में सुनहरा दिन होगा। और जब मैं इसका मैकेनाइज्ड जीवन ई रिक्शा की कानून को ला रहा था तो मेरे ऑफिसर्स ने मुझे कहा कि ये एक्सल तो इसका बजाज का है, ये TVS का चक्का है, ऐसा ये सब यूज कर रहे हैं। कंपनी आ गई कोर्ट में, उन्होंने कहा कि हमारा मटेरियल यूज करके ये ई रिक्शा बना रहे हैं, तो काफी विवाद हुआ सुप्रीम कोर्ट में। मैं भी अस्वस्थ हो गया, 6 महीने लटका रहा था। अटॉर्नी जनरल को बुलाकर मैंने कहा कि आप, मुझे लगता है कि मैं भी सुप्रीम कोर्ट में अगर अपील हो सकता हूँ तो मुझे अनुमति दो। तो उन्होंने कहा सर ऐसी प्रथा नहीं है पर आप मुझे बताइए। तो मैंने उनको कहा ये 1 करोड़ लोग आदमी को आदमी ढोने का काम कर रहा है, खींचने का काम कर रहा है, ये अमानवीय प्रथा है और इस प्रथा को बंद करने के लिए महात्मा गांधी जी ने कहा है कि जब गरीब के हित में अगर आप कोई निर्णय करते हो तो कानून तोड़ना पड़ता है, तो जरूर तोड़िए। इनके मटेरियल को यूज करके अगर ई रिक्शा 70-80 हजार रुपए में होता है तो इनको तो पैसे मिल रहे हैं, तो ये क्यों ऐसा करते हैं। और उन्होंने फिर उसका आर्ग्यूमेंट किया, हम मामला जीत गए और आज देश से 1 करोड़ में से 90 लाख लोग ऐसे हैं, शायद साइकिल रिक्शा दिखता ही नहीं, अब ई कार्ट आ गया, मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा, और पूरी तरह मानवता के आधार पर इन गरीबों को जो शोषण हो रहा था उससे मुक्ति मिली। यही टेक्नोलॉजी है। पर टेक्नोलॉजी में और एक इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो साइंटिस्ट काम करते हैं वो स्वाभाविक रूप में उनका कॉन्सेंट्रेशन टेक्नोलॉजी की सक्सेस स्टोरी बनाने में ही होता है। पर प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी, ये चारों बातें भी उतनी इम्पॉर्टेंट है। अगर टेक्नोलॉजी कॉस्टली है और इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है तो सक्सेस नहीं हो पाती। और इसलिए हमारे देश में अभी प्रधानमंत्री जी ने जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान की भी बात की है और मुझे लगता है कि इसमें बहुत महत्व है। और मैं तो चाहता हूँ कि हर चीज के अल्टरनेटिव ढूंढो। ये सीमेंट वाले और स्टील वालों ने मोनोपोली करके, शायद कमल सारडा मेरे ऊपर नाराज हो गए हैं, ये कार्टेल कर करके रेट बढ़ा बढ़ा कर हमको बहुत ज्यादा पैसा लेना पड़ता है।
अभी मैंने वो फाइबर ग्लास का वो भी स्टील लाया है, नया नया कंक्रीट की कल्पना आ रही है। अगर कंपटीशन रहेगी तो सब बराबर जमीन पर ठीक चलेंगे, मोनोपल्ली हो जाएगी तो आसमान पर हाथ टेक जाएंगे तो फिर वो एक्सप्लॉइट करेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल अल्टरनेटिव तैयार होने चाहिए। टेक्नोलॉजी में फ्लायश जैसे वेस्ट मटेरियल के उपयोग का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, और वेस्ट मटेरियल हर रीजन में हर जिले में जो होते हैं उसका उपयोग करना चाहिए। मैं अभी एक कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो कोई इंजीनियर नहीं हूँ पर बहुत बार लोग मुझे गलती से इंजीनियर समझते हैं, तो मैं बहुत बार कहता हूँ कि अभी मैं इंजीनियर नहीं हूँ पर मुझे अभी 3 डीलेट मिली है, चौथी अभी मैं कल लेने वाला हूँ। तो ये डीलेट भी मुझे मिली तो मुझे अपनी हंसी आती है। मैं बीआरसी का फॉर्म भरने के लिए आया था तो मुझे एडमिशन नहीं मिली क्योंकि मेरा परसेंटेज बहुत कम था। आप लोग बोलते कि आप इंजीनियर हो, तो मैं बोलता हूँ मुझे तो एडमिशन भी नहीं मिली तो मैं कैसे इंजीनियर हूँ। तो बोले आपके 6 वर्ड रिकॉर्ड हो गए इंजीनियरिंग के। तो मैंने कहा ये तो मेरा क्रेडिट नहीं है। अभी मुझे जो 3 डिलीट मिली उसमें 2 एग्रीकल्चर साइंस की मिली, तो स्वाभाविक रूप से मुझे तब कभी कभी हंसी आती है कि मुझे तो एडमिशन भी नहीं मिल पाई थी। अब बहुत कॉन्वोकेशन में IIT में इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं जाता हूँ और मैं जो मुझे लगता है वो बोलता हूँ। तो मुझे अभी अमेरिका में काफ़ी लोग सुनते हैं। मैं BCG कंपनी के कार्यक्रम के लिए गया था तो वर्ल्ड की इवेंट थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ही आइए, ये पूरी वर्ल्ड में रिले होने वाली है। तो मैंने उनको कहा कि आप वर्ल्ड में हो रही तो आप अमेरिका वाले किसी को बुलाओ, मुझे क्यों बुलाते हो। तो बोले अमेरिका के लोगों का चॉइस है कि आप बोलो। तो मुझे कभी कभी इस बात का आश्चर्य लगता है, मैं तो प्रैक्टिकल बात कहता हूँ। और छोटे छोटे लोग ये काम करते हैं, पेशवे जी है या उन्होंने MSME में एग्रीकल्चर रूरल में काफ़ी अच्छे रिसर्च किए। कल मुझे बहुत 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिल्डिंग को गोबर से बनाए हुए पेंट को सरकार में मैंडेटरी कर दिया। अब ये जो पेंट मेरे काल में शुरू हुआ ये इतना अच्छा पेंट है, डिस्टेम्पर भी है, नेबल भी है, दोनों भी है, और क्वालिटी में मार्केट के किसी पेंट से कम नहीं है और आधे प्राइस में है, जिससे 5 रुपये किलो गोबर का भाव हो जाएगा तो गाय कोई बेचेगा ही नहीं। गोमूत्र की कीमत, गोबर की कीमत और दूध की कीमत। तो टेक्नोलॉजी बदल कर सकती है और इसलिए टेक्नोलॉजी को हमारी सरकार की मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और टेक्नोलॉजी से ही देश का भविष्य बनने वाला है, एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ने वाला है, ग्रोथ बढ़ने वाली है और सबसे इम्पोर्टेंट वेल्थ हमारे देश में तैयार होने वाली है। और ये वेल्थ क्रिएट करने से ही आत्मनिर्भर भारत बनने वाला है, इसी करने से सुपर इकोनॉमिक पावर इंडिया बनने वाली है। केवल मेरी आखिरी में एक ही प्रार्थना है कि हमारे टोटल GDP ग्रोथ में करीब 22-24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आते हैं, 52-54% सर्विस सेक्टर से आते हैं और एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन 12-14% है। हमारी एक समय 80% पॉपुलेशन गांव में बसती थी, अब हमारी 65% पॉपुलेशन गांव में है। गांधी जी कहते थे कि हमारा देश गांव में बसता है, पर 30% पॉपुलेशन माइग्रेट हुई है, और जो माइग्रेट हुई है खुशी से नहीं हुई है, वो माइग्रेट इसलिए हुई है कि वहाँ अच्छे एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं, अच्छे स्कूल नहीं, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं, रोजगार नहीं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को सही भाव नहीं, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ बड़े प्रमाण पर माइग्रेट।